इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर अपने को ध्यान, इसमें रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या रेसिडेंशियल हाउस के बारे में अपने को देखना है। अगर हम रेसिडेंशियल हाउस को खरीदते हैं या बेचते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, तो तब हमको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसमें जो रेसिडेंशियल हाउस वाला है वो LTCG है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो मिस्टर एक्स जो है, उन्होंने मिस्टर एक्स ने घर खरीदा था 1990 में, 1990 में घर खरीदा था एट अ अमाउंट ऑफ 50,000, 50,000 रुपये में उन्होंने घर खरीदा। उसके बाद आज का जो हमारा फिनेंशियल ईयर है वो 2018-19 है, क्योंकि 19-20 हम लोग का एकेडमी के अभी भी चल रहा है, एग्जाम नहीं हुआ ना, इसलिए 19-20 अभी भी चल रहा है। तो 1990 में जो उन्होंने 50,000 का घर खरीदा था, क्या उसकी वैल्यू आज भी 50,000 है? नहीं, वैल्यू चेंज हो गई। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या करता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले इस 50,000 को 2001 2002 के वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे FMV, फेयर मार्केट वैल्यू। क्या बोलेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। पहले कन्वर्जन करेगा, 2001 और 2002 के पहले जो भी खर्चा किया होगा उसको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने FMV में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन 2001 2002 के बारे में जो भी मैं खर्चा करूंगा, बाद जो भी मैं खर्चा करूंगा, उस वैल्यू को 2018 2019 की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, 2001 और 2002 में इस 50,000 की वैल्यू हो गई 3 लाख रुपए। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब इस दिन हमने अक्वायर किया, क्योंकि कैपिटल गेन अब शुरू कहां से होता है, 2001 2002 से शुरू होता है, इस फाइनेंशियल ईयर से चालू होता है। तो अगर हमने घर इसके पहले, ये पीरियड के पहले खरीदा है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन अगर घर हमने 2001 2002 के बाद खरीदा है, तो इसका मतलब उस साल से हमारा चालू हो जाएगा। मैंने घर 2005 में खरीदा, तो 2005-06 में हो जाएगा एकेडमिक ईयर, सिंपल। तो उसके बाद नॉर्मल सम मेरा क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। लेकिन घर अगर मैंने 2001 2002 के पहले खरीदा, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया होगा। अब घर खरीदने के बाद उसमें मैं चेंजेस करवाता हूँ, कोई टाइल लगवाएगा, कोई सीलिंग लगवाएगा, कोई रूम बनाएगा, कोई बहुत वॉशरूम बनाएगा, कोई किचन अलग करेगा, तो सब अपने अपने घर में क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं टाइम टू टाइम। तो उस टाइम इसको बोलते हैं हम इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्रूवमेंट। तो उसने जितनी बार इंप्रूवमेंट किया होगा, उस इंप्रूवमेंट कॉस्ट को भी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने मान लो पहला इंप्रूवमेंट 2006-07 में कराया, दूसरा इंप्रूवमेंट मैंने 2016-17 में कराया, ठीक है, दो बार मैंने इंप्रूवमेंट किया, तो दो बार कैलकुलेशन आएगा। तो उस 2006 और 2007 में जब मैंने खर्चा किया था, तो वो टाइम पे मुझे 1 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो 2006-07 का 1 लाख आज की वैल्यू में कितना होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें काम आएगा CII, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये हमको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। CII तो क्या दिया रहेगा, जिस साल का कॉस्ट है, जैसे 2006-07 की बात कर रहा हूं, तो 2006-07 का CII दिया होगा। अभी 2001 और 2 लिखा होता, उसका CII 100 है, वहां से बेस है। लेकिन 2018-19 का CII 280 से 80 है, वो याद रखने का, 200-280 अपना क्या है, करंट ईयर का CII है। 2006-07 का CII अगर बोलेगा, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। 2018-19 का बोलेगा, तो अपने को 280 कंसीडर करना, दिया हो या नहीं दिया हो। लेकिन उसके पहले का कुछ भी रहेगा, 2001 और 200 रहेगा, ये याद रखने का, और अपना करंट ईयर का 280 है, वो याद रखने का। उसके बीच का कोई भी ईयर का आया, तो वो अपने को CII क्वेश्चन में मेंशन करेगा। हमको सिर्फ क्या करना है, कन्वर्ट करना है, एग्जाम सिंपल करने का। सब बोले 2001 और 2 में मेरे को 3 लाख रुपया CII था, है ना, कन्वर्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपको आज को 18-19 का वैल्यू मिल जाएगा। समझा? सिर्फ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है अपना वैल्यू वहां पर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसलिए बता रहा ताकि MCQ में आ जाए। तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स्ड। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स मतलब उस पर्टिकुलर साल का, अब जो कॉस्ट होगा उसको ऊपर लिखने का, CII ऑफ दैट ईयर, जिस साल का है वो कॉस्ट,
मल्टीप्लाइड बाय सी आई आई ऑफ करंट ईयर, मतलब 3 लाख रुपए का मैंने खर्चा किया था, कब किया था, 2001-2002 में किया था, कब किया था, 2001-2002 में किया था, तो 2001-2002 का कॉस्ट है 100, आज का सीआई कितना है 280, आपका आंसर आ गया, समझा। जो चीज हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वही चीज उसने फॉर्मूला में दे दिया, बाकी कुछ उसमें नहीं है। कॉस्ट ऑफ दैट ईयर मतलब जिस साल का दिया वो खर्चा डिवाइडेड है उसी साल का सीआईआई इनटू करंट ईयर का सीआईआई, करंट ईयर का सीआईआई मतलब 280। 2006-07 में खर्चा क्या होता, दोस्त मान लो 2006-07 का है मेरे को 180, तो आज में कन्वर्ट हो जाता। वैल्यूज दिया रहेगा, वैल्यू कॉस्ट भी दिया रहेगा, सीआईआई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीआईआई दिया रहना चाहिए, तो हमें सिर्फ इस साल का सीआईआई याद रखने का 280, और 2001 और 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी एज पर कैपिटल 100, तो ये दो चीजें हमको याद रहनी चाहिए। उसके बीच में कोई भी ईयर देगा उसका कॉस्ट भी दिया होगा, उसका सीआईआई भी दिया होगा, से हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, सिंपल ऐसा रखने का 4 लाख दिया है तो 4 लाख अगर 2008 का दिया है मेरे को तो 2008 का 4 लाख और उस टाइम पे सीआईआई 112, आज का सीआईआई कितना है 280, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दे बस, सीआईआई के नीचे आ जाएगा उसका वैल्यू। अब वैल्यूज मतलब भाई अपने अपने को तो कैलकुलेशन करना, अगर फॉर्मूला पूछा तो ये फॉर्मूला है, अपने को तो कैलकुलेशन करना तो अपन डायरेक्टली करेंगे ना, हाँ तो 4 लाख इंटू 280 डिवाइडेड बाय 112 तो आ जाएगा आंसर, सिंपल। तो ऐसा तो अपने को करना क्या है, तो सबसे पहले सेल वैल्यू, कौन सा वैल्यू, सेल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब मैंने घर बेचा, मैंने घर बेचा तो मैंने कितने में बेचा वो वैल्यू मुझे यहां लिखना है, क्या करना है, जो घर घर बेचा उसको कितने में बेचा वो घर आज, तो घर मैंने कब बेचा रहेगा, करंट ईयर में, पहले साल का कैलकुलेशन नहीं आएगा, इसी साल का, तो इस साल मैंने घर बेचा समझो 2 करोड़ रुपए में, तो 2 करोड़ क्या होगा मेरी सेल वैल्यू, घर बेचने के लिए मैंने कोई खर्चा किया होगा, उस खर्चे को बोलेंगे एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, मतलब ब्रोकरेज पे करते बोले मैं ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, किसी को कमीशन देंगे, किसी को रजिस्ट्रेशन का पैसा देंगे, किसी को स्टैंप ड्यूटी देंगे, तो वो सारे खर्चे क्या होगा माइनस करने, क्या करने माइनस, समझा, हाँ है ना, एक्सपेंसेस अपने को क्या करना है माइनस करना है, एक्सपेंसेस अपने को क्या करना है माइनस, अब वो एक्सपेंसेस में ब्रोकरेज आ सकता है, ठीक है, फिर कमीशन आ सकता है, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी आ सकता है, क्योंकि घर ट्रांसफर करने में ये सब अपने को देना पड़ता है ना बेटा, और कोई खर्चा रहेगा तो खर्चा एक्सपेंस। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब तब मैंने घर खरीदा था तो उस घर का वैल्यू 3 लाख था, तो आज की वैल्यू क्या होगी, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मैंने घर 2 बार बनाया तो 2 बार कैलकुलेट करने का, 1 बार बनाया तो 1 बार कैलकुलेट करने का, 6 बार बना तो 6 बार निकालने का, करने का तरीका सेम, वैल्यू लिखा उस साल का सीआईआई उसके सामने और उसके नीचे को आएगा अपना सीआईआई आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया। उसके अलावा ये तीनों करने के बाद, ये तीनों करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगा, उसको ये टोटल करके बाहर लिखा, ऊपर वाले से इसको माइनस करो, तो माइनस करने के बाद आपको जो मिलेगा वो हो गया ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ग्रॉस क्यों बोला, क्योंकि इसमें दो चीजें डिडक्शन में जाती है, पहला अगर आपने नया घर खरीदा, परचेज ऑफ न्यू हाउस, आपने नया घर खरीदा तो उसको क्या करने का माइनस, सिंपल। और अगर आपने वो जो पैसा आया उस पैसे से आपने कहीं पर निवेश किया बॉन्ड में, तो इन्वेस्टमेंट इन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड REB, ठीक है, या रीजनल रूरल रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड बोलेगा तो भी चलेगा, RECC भी बोलते हैं, ठीक है, तो RECC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड कॉरपोरेशन का कंपनी रहेगा वैसा, यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग ने ऐसे प्रोजेक्ट में किया जिसके आसपास बिल्डिंग बनने वाली है,
नेशनल हाईवे के बाजू में बिल्डिंग बन रही है, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, या कोई भी रेलवे प्लॉटिंग के बाजू में जगह पड़ी है उसमें बिल्डिंग बन जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो मैंने वैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, किसमें इन्वेस्ट किया, बॉन्ड में। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन कंपनी क्या हो जाएगा, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड क्या हो जाएगा, अगर उसके बॉन्ड में मैंने खर्चा किया तो वो भी मुझे यहाँ पर क्या करना, माइनस। लेकिन भाई अप टू 50 लाख है इसका लिमिट, मैंने 1 करोड़ खर्चा किया, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया तो भी 50 लाख लिखने का, मैंने 20 लाख निवेश किया तो सिर्फ 20 लाख लिखने का, मैंने 10 लाख किया तो 10 लाख लिखने का, मैंने 60 लाख किया तो भी 50 ही लिखने का, यानी मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं, 50। ये सब करने का फाइनली आपका आंसर आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझा, वापस बोल रहा हूं, इतना सा फॉर्मेट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। पहला सेल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब घर मैंने बेचा तो घर बेचने का उसका क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। उसके बाद एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर, एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर मतलब घर क्या किया मैंने, ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर करने के लिए ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, वो सब पैसा मुझे खर्चा करना पड़ा तो वो भी माइनस करने का, लेस में लिखने का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब घर मैंने कितने में खरीदा था, तो मैंने आज से 2001 और 2002 में मैंने घर खरीदा था 2 लाख रुपए में, तो उस टाइम का CII 100 था, लेकिन आज का CII 280 है, मतलब वो टाइम का 100 रुपए आज का 280 रुपए के बराबर है, तो कन्वर्ट कर दो तो उसका वैल्यू आएगा, होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। घर पे मैंने इंप्रूवमेंट कराया, झोपड़पट्टी में रहता था पहले, पत्रे का घर मैंने 50,000 में लिया, बाद में पैसा आया तो मैंने क्या किया, ईंट का घर बना दिया, फिर मेरी फैमिली बढ़ी तो मैंने एक और माला चढ़ा दिया, तो 2 माला हो गया। उसके बाद मेरे बेटे बच्चे आ गए तो मैंने क्या किया, उस पर टाइल्स वगैरह लगा दिया, उसके बाद फिर मैंने कोट माला लगा दिया। तो बार बार मैं क्या कर रहा हूं, हर 3 साल में खर्चा कर रहा हूं, तो जितनी बार मैं खर्चा करूंगा वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आ जाएगा, और उस वैल्यू को आज की वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करके आप बाहर लिखोगे, माइनस करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब उसमें से अगर आपने वो जो पैसा बेचा, मतलब घर बेचने का आपको पैसा मिला, पैसे से आपको प्रॉफिट मिला, आपने बोला कि ये पैसा बेच के मैं क्या करूंगा, पैसे से मैं क्या करूंगा, नया घर खरीदूंगा, तो अगर आपने नया घर खरीदा तो भी लेस हो जाएगा, कैश में दिया ना आपने, पैसा दे दिया, चेक में दे दिया, तो आपने नया घर खरीदा तो लेस। लेकिन अगर वही पैसा अगर आपने किसी के बॉन्ड में लगाया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड में लगाया, तो वो पैसा भी आप लोग क्या करोगे, डिडक्ट, लेकिन कितना, 50 लाख रुपए तक, माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। क्लियर, खाली आपको CII यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर करो, इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या, देखो इसमें